हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड। आपकी काफ़ी लोग ढेर सारे कमेंट्स कर रहे थे कि व्हाट्सएप पर और आपके कमेंट बॉक्स में भी, इंस्टाग्राम पर भी, तो इस रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत आपकी चार यूनिवर्सिटियाँ आती हैं। प्रथम है आपके चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, और सेकंड है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैदराबाद, और तीसरे है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ, और चौथी है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। तो इस रिगार्डिंग में आपका सबसे पहले तो मैं कुछ इन्फॉर्म सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि ये जो आपका वीडियो शूट हो रहा है, अभी मैं उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर हूँ। उत्तर प्रदेश के काफ़ी विभिन्न विभिन्न जगहों पर मैं जाऊंगा, और आपका एक ब्लॉग चैनल पर आपको ये वीडियो, मतलब इसका जो पूरा एनालिसिस है इस पार्क की, आपका एशिया का जो सबसे बड़ा पार्क है जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ गोमती नगर में है आपका, तो इसी के अंतर्गत अभी हम हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट्स भी आया था कि सर अगर आप वहाँ पर हैं तो जाइए, अवश्य घूमाइए। तो चलिए, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि यूपी कैडेट की प्रथम सेकेंड और प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चार काउंसलिंग आपकी सफलतापूर्वक ख़त्म हो चुकी हैं। तो क्या आपकी पांचवी काउंसलिंग होगी या नहीं, क्योंकि अभी सीटें बची हैं उससे कोई मतलब नहीं है। सीट बच जाए या आपका पूरा फेल हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब क्या पांचवी काउंसलिंग आपकी होगी या नहीं होगी, तो आपको जो लिखित में यूपी गवर्नमेंट और यूपी कैडेट का इंस्टीट्यूट जो भी आपका लिखित दे रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चार स्पेशल काउंसलिंग तक आपकी बस होती है। इसके आगे आपकी पांचवी काउंसलिंग कहीं पर लिखित नहीं है और ना ही होगा। आपके जो भी माइंड में है सेटअप उसको निकाल दीजिएगा। पिछले बार भी काफ़ी स्टूडेंट को मैंने बोला था कि भाई लोग नहीं होगा, आप लोग नहीं मानते हो, फिर मैं एक वीडियो के रूप में फिर आप कहेंगे कि नहीं सर आप मतलब वीडियो बनाने के लिए आप एक मतलब झूठा वीडियो बना देते हो। तो इस वजह से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पांचवी काउंसलिंग नहीं होगी, आईसीआर की भी नहीं होगी, सीयूईटी की भी नहीं होगी। मैक्सिमम काउंसलिंग किसी भी एग्जामिनेशन का होता है तो चार ही काउंसलिंग तक होता है। चलिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको सेशन कैसा लगा आप एक बार फीडबैक अवश्य दीजिए।